क्या प्रभास ने अपनी फिल्म आदि पुरुष के पोस्टर को भी किया चोरी? जाने क्या है इससे जुड़ी बड़ी खबर। साउथ के सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। टीजर रिलीज होते ही फिल्म विवादों में गिर गई है। फिल्म में रावण बने सैफ अली खान के लुक्स का मजाक उड़ा रहे हैं, वही राम के किरदार में प्रभास भी फैंस को उतने नहीं जमे। कह रहे हैं कि रावण को किसी मुस्लिम आक्रंता सरीखा दिखा दिया गया है। हनुमान पर भी मेकर स्टॉल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए गए हैं, साथ ही राम को जूते पहनाए जाने पर भी खूब हल्ला हो रहा है। कुल मिलाकर फैंस आदि पुरुष की खिंचाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये सब तो एक तरफ चल ही रहा था, पर अब आदि पुरुष पर जो ग्रहण लगा है वो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अब एक और मुद्दा सामने आ गया है। एक VFX कंपनी ने कहा है कि आदि पुरुष के पोस्टर को उसके आर्टवर्क से कॉपी किया गया है। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, इसमें एक और आदि पुरुष के पोस्टर में प्रभास का लुक और दूसरी ओर स्टूडियो द्वारा बनाया गया एक एनिमेटेड आर्टवर्क है। वार्नर स्टूडियोज नाम के एनिमेशन स्टूडियो ने आदि पुरुष पर उनका आइडिया चुराने का आरोप लगाया है और लिखा है, ये बहुत निराशजनक है कि हमारा काम इस तरह से कॉपी किया जा रहा है। ऐसा पिछले कुछ सालों में कई बार हुआ है, पर इस बार ये फनी है। हम इस मामले में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ बढ़िया कंटेंट बताते रहेंगे और आप तक लाते रहेंगे, पर हो सकता है हमारी बात दूर तक जाए। यहाँ तक कि स्टूडियोज ने कुछ सीन के भी कॉपीड होने का आरोप लगाया है। एक और पोस्ट शेयर करते हुए स्टूडियो ने लिखा कि कम ऑन गाइस, कुछ तो शर्म करो। इसके साथ स्टूडियो ने टीजर का एक फ्रेम शेयर किया और साथ में अपना आर्टवर्क, जो कई हद तक आदि पुरुष के पोस्टर जैसा लग रहा है। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं।